सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बम बम बोले, जय श्री राम। मैं यानी कि नैन्सी गरेवाल फिर वापस आई है बड़ी पुरानी तक पे ही जी खबर लेके, क्योंकि खबर जो ताज़ा ताज़ा होंगी है उदो मैं खबर के उत्ते वीडियो और खबर के उपर वीडियो बना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि पता होंगे नहीं मैंने गलबात का, फिर एवं मैं पै 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 करके बोल जानी, फिर लोग कहें गल तो तेन पता नहीं होंगी, तू गलत इन्फॉर्मेशन दे दिनी है। तो मैं थोड़ी वेट करती हूँ अच्कल कि पहले देखा कि सच की है। हूँ जो आज के ताज़ा और बेमुख्य समाचार इस प्रकार है कि अमृतपाल के भरा आइस ड्रग के नाल पंजाब पुलिस ने फड़िया। हूँ लोगों का यह कहना है कि इनू फड़ाया गया, साजिश की गई है पुलिस की। पुलिस ने पहले साजिश क्यों नहीं की जब अमृतपाल जेल के उदो वो भरा ना प्यो ना माँ ना साजिश क्यों नहीं की गई? क्यों वो भरा के उत्ते ड्रग वो क्यों वो प्यो के उत्ते ड्रग का केस नहीं पाया गया? क्यों वो माँ के उत्ते कोई गंदा चार्ज नहीं लाया गया? कला भरा टारगेट क्यों बनाया गया? हूँ जो एम पी बन गया अगले ने शब्द चक ली तो हम तुम कहने भरा ना साजिश हो गई है। चलो मान लो 1% किसी ने साजिश की भी वो भरा ना, पर तुम पता है जोड़े झूठे परचे सरकार जो किसी झूठे परचे भी पाँदी है ना वह भी कोर्टा के खुलासे हो जाते हैं। अकल दे अन्ने हो, दिमाग तो पैदल, कन्ना तो बोले हो। कई बार परमात्मा तुहानू सच दिखाउणा चाहुंदा पर तुसीं देखना पसंद नहीं करदे हो। अमृतपाल ने किहड़े बंदे नूं नशे छड़ाए सी? बंदे तां लैके आओ साडे सामने, दिखाओ तां सही सानू। वो बंदे क्यों नहीं सोशल मीडिया च सामने आके दसदे कि हाँ जी अमृतपाल ने सानू नशे छड़ाए सी और असीं नशे छड्डते जी, मुड़ के हाथ ही नहीं लाया नशे नूं। ते कित्थे नशे छड्डे सी, किहड़े सेंटर विच छड्डे सी, सेंटर भी दिखाओ। सिर्फ सुने है ना अमृतपाल ने नशे छड़ाए, ओ भाई किनू छड़ाए? बंदियां दी लिस्ट लिया के बंदियां नू सोशल मीडिया ते लियाओ, जेड़े साडे वर्गे बोलदे उहनां दे भी मुंह आपे बंद हो जाणे आ। आई समझ? कुर्सी है जी, राजनीति बड़ी गुत्ती चीज है। सो अमृतपाल दा जेड़ा एक मनसूबा सी ओह अपने पहले मनसूबे च कामयाब हो गया, राजनीति जाणा। जेड़ा बंदा कहिंदा सी मैं राजनीति तो बहुत दूर हाँ, मैं कदी राजनीति विच वड़ना ही नहीं, जेड़ा बंदा कहना से मैं खालिस्तानी है, झंडे का अपमान करना, अज उ संविधान के झंडे थले खेलेगा, दौड़ेगा। और जो तुम सोचो भी वह खालिस्तान बना देगा तुम कभी भी नहीं होना, क्योंकि चाहे कोई पंजाब का एम पी है, चाहे पंजाब का कोई एम एल ए, तो चाहे कोई सी एम है, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, डंडा वह ही चलता है। हुकूमत दिल्ली से चलती है भाई, पंजाब से नहीं। तो पंजाब का कोई सी एम हो, एमएलए और एमपीओ, उसको सेंटर वाले की जुत्ती के नीचे ही रहना पड़ता है। तो खालिस्तान का सपना लेना बंद कीजिए, वो ना आज है ना कल है ना कभी बनेगा। आप लोगों में इतना रोष है, इतना गंद डालते हैं, दिन दिहाड़े आप लोग जाके लोगों का मर्डर कर देते हैं। सोचिए जरा, जब ये खालिस्तान मान लो बन गया, ये तो लोगों के घर में घुस के दिन दिहाड़े मर्डर किया करेंगे। ऐसे खौफनाक शहर में या मुल्क में आप रहना चाहेंगे? कभी भी नहीं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि अमृतपाल के भाई को फंसाया गया, ठीक है, मैं फिर उसी मुद्दे पे आती हूँ। भाई क्यों फंसाएंगे आप बताइए, क्यों फंसाएंगे और किस लिए फंसाएंगे? कुछ बात हजम नहीं हुई है। तो जब किसी चोर की चोरी पकड़ी जाती है, अक्सर लोग कहेंगे नहीं नहीं मुझे ना फंसाया गया। जब कोई धंधे वाली जो औरत होती है ना, धंधा कर रही होती है होटल में, तो जब वहां रेड पड़ती है ना, वो धंधे वाले को पकड़ा जाता है, तो वो भी रेड में क्या बोलती है पुलिस को, पुलिस स्टेशन में जाके, भाई मैंने कुछ नहीं किया, वो तो मेरा पति है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जब चोर को चोरी करते आप रंगे हाथ पकड़ते, तब भी बोलता है मैंने चोरी की नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, मैंने इस चीज को तो छुआ ही नहीं, मुझे नहीं पता किसने मेरे बैग में डाल दिया। तो ऐसा ही होता है जब इंसान कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाता है, कोई भी 99% कोई भी इंसान ये नहीं बोलेगा कि ये काम मैंने किया है। वो बोलेगा मुझे पता ही नहीं किसने किया, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। और ये सत्य है, जागिए, अपनी आंखों को खोलिए। अगर आप लोग सोचते हैं कि अमृतपाल पंजाब से नशे खत्म कर देगा या नशा मुक्त पंजाब कर देगा, आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यहीं पे, इस वीडियो को सेव कर लीजिए। पंजाब को नशा मुक्त कोई भी करवा नहीं सकता है। अगर पंजाब को कोई नशा मुक्त करवा सकता है, वो आप खुद आप लोग हैं। आप सोचेंगे कि हम कैसे करवा सकते हैं? अरे आप लोग करवा सकते हैं। जब आपको पता चलता है आपके आस पड़ोस में कोई नशा करता है, कहीं से तो वो नशा लाता होगा, थोड़ी सी पुलिस की तरह सूंघिए, जानकारी प्राप्त कीजिए
पुलिस को नंबर घुमाइए, इन बदमाशों को, नशा बेचने वालों को पकड़ाइए। और ये नशे का कोई व्यापार छोटे लेवल का नहीं, बहुत बड़े लेवल का है। बहुत बड़े बड़े राजनेता जैसे लोग जुड़े हुए हैं इसमें, क्योंकि रोकड़ा धीकड़ा भाई, ओ धीकड़ा कमाना है उन लोगों को। लोगों के बच्चे मरते हैं तो मरे, लोगों के घर उजड़ते हैं थोड़े, पर इनको तो धीकड़ा चाहिए धीकड़ा, तो वो लोग ये कमा रहे हैं। और आप सोचते हैं कि सरकारें आती हैं जाती हैं, फिर कोई नया आ जाता है आपको आश्वासन दिला देता है। मैं शपथ लेता हूँ या लेती हूँ, मैं MP बनूंगी या MLA बनूंगी या CM बनूंगी, पंजाब को सबसे पहले नशा मुक्त करूंगी या करूंगा। कोई भी नहीं करता भाई, कोई भी नहीं करता। बाद में देखा सुनवाई भी नहीं होती है, जो बड़े बड़े वादे करते हैं ना यहाँ के, मैं ये करूंगा वो करूंगा, अरे कुछ भी नहीं करते हैं। अब सोचिए करने क्या आते हैं राजनीति में, सोचिए जरा क्यों आते हैं लोग, कुर्सी के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं भाई। दिकड़ा नोट, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड आते हैं ना, पैसा आता है सड़कों के लिए, उसमें से भी तो पैसा छीनना ना कमाना। अब जो जो बंदा राजनीति में आया ना, उसके पहले प्रॉपर्टी चेक कर लो और बाद में कर लो। ये सवाल क्यों नहीं कोई पूछता उनसे खड़ा होकर कि कहाँ से आई भाई, सील कर दो ना, गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को सील कर दे कि ये पैसा आया कहाँ से तेरे पास, ये घर किसके नाम से खरीदा। तो ये जो घर खरीदा किसी और बंदे के नाम से, कोई घर लिया होगा ना किसी ने, जमीन जायदाद ली होगी, तब भी उस तफ्तीश करो, बंदे को पकड़ के अंदर करो, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो। पर गवर्नमेंट करती नहीं ना, क्योंकि सभी मिले हुए हैं भाई, ये घी में हाथ डाल के सभी उंगलियां चाट रहे हैं, करता कोई कुछ नहीं। अब आप बोलो कि राजा हरिश्चंद्र आए दोबारा से जन्म लेके इस धरती पे, तो आप लोग ऐसे हरिश्चंद्र राजा को टिकने भी क्यों नहीं दोगे, ये भी बात सत्य है। राजा आ जाएगा ना हरिश्चंद्र जी के जैसा दोबारा जन्म लेकर तुम लोगों का सुधार करने, और तुम तो उनको भी टिकने नहीं दोगे ना। प्रॉब्लम इस सारी यहीं पे पड़ जाती है, क्या करें। ईमानदार बंदे को आप लोग जीने नहीं देते हैं और बेईमान बंदे का पूर जोर साथ देते हैं, ईमानदार का पूर जोर विरोध करते हैं। तो आप करते क्या भाई, बताइए आप करते क्या है। सो जो अमृतपाल के भाई का चक्कर है ना, देखिए वो लॉयर करेंगे ना, तो उनका लॉयर फाइट करेगा ना उसके लिए। अब बीच में जो खिचड़ी है, जो सत्य है, वो मुझे भी नहीं पता है, वो आपको भी नहीं पता है। अब मैं भी 100% कैसे कह दूं, हाँ वो नशे करता था, वो नशे बेचता, अरे मैंने कौन सा देखा है उसको नशा करते और बेचते। खबर आई है ना, सब्र कीजिए, उसको भी लॉयर करने का मौका मिलेगा, उसका डोप टेस्ट होगा भाई। जो डोप टेस्ट होगा वो उसका भी वकील देखेगा कि उसके ब्लड में अगर नशा रहा है ना अमृतपाल के भाई के, तो इसका मतलब जो नशा रहा है ना ब्लड में, तो बंदा नशा कर रहा है ना, तो बंदा नशा कर रहा है तो गाड़ी में तो मिलेगा ना, फिर क्या करोगे आप, सोचिए जरा क्या करोगे। कहीं भी घूम लो, सब सड़ा कुर्सी का चक्कर है, ये सब गंद कुर्सी का डला हुआ है। वो कहता मैं करोड़ों छाप लूं, मेरे बच्चे बैठ के खाएं। ये जो लोग सोचते हैं ना कि मैं करोड़ों छाप लूं कुर्सी सर, मेरे आगे बाल बच्चे बैठ के खाएंगे, रेण के बच्चों को कैंसर जैसे भयानक रोग हो जाते हैं, इनके आंखों के सामने मोटर एक्सीडेंट में मर जाते हैं इनके बच्चे, इनके आंखों के सामने मर जाते हैं, और वो पैसा यहीं का यहीं धरा रह जाता है, और इनके जो कमबख्त रिश्तेदार हैं उनके काम आता है बाद में। क्या करोगे ऐसे बेईमानी का पैसा कमा के, कि तुम्हारे बच्चों की अर्थियां तुम्हारे सामने जाएंगी। पर लोग समझे को नहीं, ये द पब्लिक है ना, ये बड़ी बदतमीज है, बड़ी बदतमीज। सो मैंने तो ये भाई दुनिया भी देखी और ये गेम में भी मैं सब समझ गई हूँ, तो इसलिए अपा तो पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहे हैं। बड़ी बार ऑफर आए हैं, मैंने भी पॉलिटिक्स में घुस जा, सीट के भी ऑफर आने हैं, पर मैंने कहा ना भाई, अपने को दिखने का कोई शौक नहीं, जितना कमा रहे हैं ना अभी उतने में बड़े खुश हैं। ज़्यादा कमाएंगे ना और बेईमानी करके कमाएंगे तो यहाँ पे शैतान आट के बैठ जाएगा और मन दिमाग में जिगर में हंकार आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। तो वो जो घमंड है ना, वो तो मैं अपने आने नहीं देना भाई। जैसे मैं सिंपल सादगी जी रही हूँ, मैं बड़ी खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, दिन रात मेहनत करती हूँ, घर बार चलाती हूँ, पालती हूँ, मज़े में रहती हूँ, किसी बंदे का बुरा नहीं करती, ना एक रुपये की बेईमानी करती हूँ। तो इस चीज़ का फ़ख्र होता है कि जब मेरा वक्त माड़ा आएगा ना, वो खड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि मैंने बुरा नहीं किया किसी का। हाँ जवान की थोड़ी सी कोड़ी हूँ, क्योंकि जब हटते नहीं ना लोग, गंदे गंदे मैसेज करते हैं, पर जो घोड़ना होता ना मिर्च वाला, वो ही चढ़ता है यहाँ से। जय हिंद।